तो अब ये दोनों मैप डिफरेंस आसानी से करेंगे ना, ठीक है, जी कि दिस सर, इज मैच्योर एंड दिस इज हाइपर हाइपर मैच्योर में देखे तो यहाँ पे लेंस का इंटीरियर कैप्सूल जो है उसमें रिंकल बन चुके हैं और श्रिंकन हो चुका है। और अब ये वाले देखेंगे जो मॉर्गन कैटरक है, इसमें ये देखेंगे तो लेंस जो है, जो येलोवेशी चीज जो था, मटेरियल था, वो यहाँ पे नीचे आए हुए हैं और कॉर्टिक्स जो है वो यहाँ पे ऊपर जो है वैसे का वैसे रह चुका है। तो सच कंडीशन इज कॉल्ड मॉर्गेनियन कैटरक रिलोकेशन ऑफ कॉर्टिक्स एंड इंफीरियर सेकनिंग ऑफ द सिंकिंग ऑफ द न्यूक्लियस, दिस इज द मेन डिफरेंस। तो कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट इज एमेच्योर कैटरक, मैच्योर कैटरक, हाइपर मैच्योर कैटरक एंड मॉर्गेनियन कैटरक, कैन यू डिफरेंशिएट ऑल दीस थिंग्स? यस सर। ठीक है, तो सर ये मैच्योरिटी के स्टेजेस हैं या किसी भी स्टेज का हो सकता है, लाइक ये टाइम वाइज ये सारी चेंजेस आएंगी? एट अ टाइम भी आ सकता है। देखिए, अब अगर स्पेशली आपने कभी स्क्रीनिंग प्रोग्राम के कभी गांव में गए हैं या कभी भी कैंप वगैरह पे चलेंगे ना, तो आपको मुख्तलिफ किस्म के पेशेंट मिल सकते हैं। देखिए, कुछ लोग जो है उनको तो बिल्कुल अवेयरनेस नहीं, वो कुछ लोगों ने माइंड में रखा हुआ है कि ओल्ड एज के साथ नजर वैसे भी कम हो रहा है तो बस हमें किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, वो वैसे के वैसे छोड़ते हैं। जहां मैंने प्रैक्टिकल मैंने आपको वैसे बता दिया कि मैं एक दिन कैंप के लिए गया था, तो ऐसे हाइपर मैच्योर कैटरिक और ऐसे कैटरिक हमें मिल गए, हम कहते हैं यार उसके लिए कोई सर्जरी करें, तो वो लोग भी हैरान होते कि वाकई इसके लिए भी कोई ऐसी सर्जरी है, और कुछ लोगों को पता भी है वो तब भी नहीं करते, कहते हम डर रहे हो, आई बहुत नाजुक चीज है। और देखिए, मुख्तलिफ मेंटेलिटी के लोग होते हैं, तो बहुत क्राइटेरिया के पेशेंट आपको मिल सकते हैं। इमैच्योर वाला कैटरिक और हाई मैच्योर वाला कैटरिक, तो ओपीडी में आपको इतनी सैकड़ों की तादाद में आपको हर ओपीडी में मिल सकते हैं। लेकिन सर सर्जरी तो हमेशा तब होती है जब वो फुली मैच्योर हो जाता है ना, जब वो फुली मैच्योर होता है, मतलब जब वो फुली मैच्योर हो जाता है कैटरक्ट, सर्जरी तब करते हैं डॉक्टर? नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना, अब मैं इसके इंडिकेशन आपको बताऊंगा कब आप इंडिकेशन करेंगे। सम टाइम आपने मैंने आपको बताया था कि इमैच्योर कैटरक है जो कि अगर वो पोलर कैटरक है, वो पोस्टी सब कैप्सूल कैटरक है, तो क्या उसके लिए सर्जरी, वो तो विजन काफी खराब करते हैं। वो डिपेंड करता है कि कैटरक सर्जरी आप कब करेंगे। कैटरक सर्जरी आप तब करेंगे जब भी, दो तीन चीजों के लिए हम कर रहे हैं कि जब भी आपको उसकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज जो है वो इस कैटरक की वजह से अगर इफेक्ट हो जाए, वो इसकी एक्टिविटीज को कॉम्प्रोमाइज करे, तो आप कैटरक करेंगे, बेशक अगर वो इमैच्योर क्यों ना हो। बात समझ आ रही है? वो इमैच्योर क्यों ना तब भी आप कर सकते हैं। इन सम कंडीशन में आपको पेशेंट जो है वो विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा वो डिस्टर्ब नजर नहीं आएगा, और ना वो इतना ज्यादा वो इस चीज के फरियाद करेगा कि मुझे विजन प्रॉब्लम है। बट समटाइम आप कुछ पैथोलॉजी जो है, जो स्पेशली रेटिना में है, उन पैथोलॉजी को ट्रीट करने की तरफ जा रहे हो, जैसे आप लेजर वगैरह कर रहे हो, लेकिन आगे से कैटरक वगैरह है, उसने आपकी व्यू सब कुछ ब्लॉक, तो समटाइम उसके लिए भी हम कैटरक ऑपरेट करते हैं कि हम बैक साइड में आपके जो बाकी प्रोसीजर वगैरह है कि वो सही तरीके से हो जाए। तो आप इंडिकेशन जो है बाद में बताओ, ठीक है? तो अनम ये स्टेजेस भी है ना, एम मैच्योर है, फिर उससे मैच्योर बनता है, अगर मैच्योर से हाइपर मैच्योर एंड फिर मॉर्गेनियन कैटरक, इसकी मैच्योरिटी की स्टेजेस है ना, कि ऐसे इमैच्योर से मैच्योर बनता है और फिर ऐसे बनता है। तो आपको पेशेंट है वो डिपेंड करता है कि किस स्टेज में आपको मिल सकता है। आपको इमैच्योर स्टेज में भी पेशेंट मिल सकता है और मैच्योर में भी, हाइपर मैच्योर में भी, एंड मॉर्गेनियन कैटरक में। जो डेवलप कंट्री में उसमें तो मैच्योर और इमैच्योर है, इसमें सर्जरी कर जाता है, लेकिन जहाँ पे कोई सर्विसेज आई, सर्विसेज नहीं है, जहाँ पे लोग के अवेयरनेस नहीं है या लोग खुद वेलिंग नहीं है सर्जरी के लिए, तो उसमें हाइपर मैच्योर इवन मॉर्गेनियन कैटरक भी आपको मिल सकते हैं। ठीक हो गया? तो एज रिलेटेड कैटरक भी हो गया, उसके साथ साथ हमने कैटरक की मैच्योरिटी के स्टेजेस जो है वो भी थोड़े से हमने पढ़ ली। अब हम कहते हैं कि कैटरक एंड सिस्टेमिक डिजीज, सिस्टेमिक डिजीज कौन कौन सी डिजीज है जिसमें आपको कैटरक मिल सकता है, तो इसमें आप सिर्फ वो डिजीज का नाम भी याद रखें कि इस डिजीज में कैटरक आ सकता है, और विच टाइप पार्टिकुलर कौन सी टाइप की कैटरक जो है इसमें आ सकता है। जैसे डायबिटीज में कोई आपसे पूछ सकता है तो आप उसे कहेंगे कि स्नोफ्लैक कैटरक जो है वो आ सकता है, जैसे बाकी आप उसमें स्टार शेप कैटरक वगैरह आते हैं। तो लेट्स सी, तो सिस्टेमिक में जो है डायबिटीज हमारे पास सबसे टॉप में है, ठीक है, और यू नो कि हाइपरग्लाइसीमिया रिफ्लेक्टेड इन हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन इकोसफीमर व्हिच डिफ्यूज़न टू लेंस। जैसे कि आपकी ब्लड में दूसरी जगह पे हाइपरग्लाइसीमिक स्टेटस, ग्लाइसीमिया स्टेट है। यूजुअली डायबिटीज में क्या होता है कि देयर इज अ परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट, कि ग्लूकोज लेवल नॉर्मल लेवल से हाई और लॉन्ग टाइम के लिए है। सो वो सेम ग्लूकोज आपके ब्लड में अगर ज्यादा है तो वो आपके इकोसीमर जो है, इकोसीमर भी आप कंटिन्यू, जाहिर बात है आपकी ही बॉडी के जो सेलरी एपिथेलियम है वगैरह उन सारी चीजों से बन रही है, सो उसमें भी ग्लूकोज लेवल हाई होगा। सो जब इकोसीमर में भी ग्लूकोज लेवल हाई होगा तो वो आपको पता है कि लेंस जो है वो एडल्ट में अगर हम बात करें
तो एडल्ट में लेंसेज ए वस्कुलर, वो सारे न्यूट्रन वगैरह जो है ग्लूकोज ऑक्सीजन जितनी भी चीजें हैं वो तो एक्वास्यूमर पे डिपेंड करता है। सो एक्वास्यूमर से जब वो सारे न्यूट्रन वगैरह ले रहे हैं, बट व्हेन द एक्वास्यूमर लेवल ग्लूकोज वेरी हाई, तो ये हाई ग्लूकोज लेवल जो है नॉर्मल से ज्यादा डिफ्यूज करता है इन यूर लेंस। और फिर लेंस भी क्या करता है कि ये ग्लूकोज मेटाबोलाइज इनटू सॉर्बिटोल, सॉर्बिटोल इज द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज व्हिच इज स्टोर्ड इनसाइड योर लेंस। वो ग्लूकोज जो है वो लेंस में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ सॉर्बिटोल, और जब ये होता है तो क्या होगा इसके साथ साथ एक्युमुलेट विद इन द लेंस रिजल्टिंग इन सेकेंडरी ऑस्मोटिक ओवर हाइड्रेशन। अब लिखा है सेकेंडरी ऑस्मोटिक ओवर हाइड्रेशन, वहां पे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ज्यादा हो चुका है, वहां पे मैं ये कहूंगा कि सिचुएशन जो है थोड़ा सा ज्यादा विस्कस हो चुका है, बिकॉज ग्लूकोज जहां पे ऐड कर रहे हैं तो वहां पे ऑस्मोलिटी उसकी ज्यादा हो रही है। तो फिर क्या होगा कि उस चीज को ओवरकम करने के लिए बाहर से क्या हो रही है, ओवरफ्लो ओवर हाइड्रेशन और एक्सेस वाटर जो है वो एंटर हो रहे हैं। और इससे पहले मैंने जिक्र किया था कि जब भी एक्सेसिव वाटर जो है वो एंटर चला जाता है तो वो लेंस की जो अरेंजमेंट है फाइबर की वो भी डिस्टर्ब कर रही है, और साथ साथ में ये हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट जो है ये प्रोटीन की डिजनरेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो साथ साथ में डिजनरेशन ऑफ प्रोटीन भी हो रही है, एक्सेसिव सॉर्बिटोल की स्टोरिंग भी हो रही है, और लेंस फाइबर जो है उसकी जो रेगुलर पैटर्न था वो इररेगुलर में कन्वर्ट हो सकते हैं। दीज ऑल इवेंट जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाउडिंग ऑफ द लेंस। तो रिजल्ट में क्या होगा, इन अ माइल्ड डिग्री केसेस दिस में अफेक्ट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस विद सबसीक्वेंट फ्लक्चुएशन ऑफ रिफ्रैक्शन इन द लाइन विद प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल हाइपरग्लाइसेमिक मायोपिया इन बॉयज। तो ये स्टार्ट में फिर क्या होगा, स्टार्ट में तो वो इस सॉर्बिटोल और इन चीजों की वजह से उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा चेंज करेगा, यू नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो चेंज होगा बिकॉज सम एक्सेस मटीरियल जो है वो उसके साथ एड हो रहे हैं। तो जब इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की चेंज की वजह से स्टार्ट में उसकी रिफ्रैक्टिव एरर जो है उसमें आपको ऐसा लगेगा कि उसकी रिफ्रैक्टिव उसकी रिफ्रैक्शन में चेंज होगा बिकॉज ड्यू टू चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज रिस्पॉन्सिबल हो गए चेंज इन रिफ्रैक्शन, और कहते हैं कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन डायरेक्टली डिपेंड करते हैं कि आप प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल का है। अगर प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल इज वेरी हाई तो यहाँ पे सॉर्बिटोल इन चीजों का बहुत ही ज्यादा हाई होगा, और मायोपिया जो है स्टार्ट में भी मायोपिया डेवलप करेगा बिकॉज ड्यू टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और साथ साथ में लिखा है कि सम कॉर्टिकल फ्लूइड वेक्यूल जो है लेटर ऑन इवॉल्व इनटू फ्रैंक ओपेसिटी वो भी बन सकता है, कॉर्टिक में भी जो है वेक्यूल वगैरह जो है वो बन सकता है। और क्लासिकल डायबिटिक जो है, जो क्लासिक डायबिटिक वो है कैट्रिक है वो तो रियर में आपको मिलेगा, लेकिन अगर आपको मिल रहा है तो वो क्या मिलेगा, वो स्नोफ्लेक कॉर्टिकल ओपेसिटी। दिस इज द स्नोफ्लेक कॉर्टिकल ओपेसिटी, दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू डायबिटिक पेशेंट। ठीक है, जो कि स्पेशली इस पेश में आएगा यंग डायबिटिक इंडिविजुअल में आपको स्नोफ्लेक कॉर्टिकल कैट्रिक मिलेगा। ठीक है, जो कि लेटर ऑन फिर मेच्योर होगा फ्यू डे और रिजल्ट्स में। अब ये देखिए दो पॉसिबिलिटीज है, या अगर आपको यंग इंडिविजुअल में जो कि डायबिटिक है उसमें आपने स्नोफ्लेक कैट्रिक ये चीज डायग्नोज किया तो उसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो मेच्योर होगा इन अ फ्यू डे और रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली, लेकिन क्विकली या तो डेवलप होगा वो स्नोफ्लेक कैट्रिक से फिर चेंज होगा मेच्योर कैट्रिक में इवन अ फ्यू डेज। ठीक है, और या वो जो है स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो सकते हैं अगर प्लाज्मा ग्लूकोज ये सारी चीज अगर कंट्रोल किए गए हैं तो हो सकता है कि ये वापस रिजॉल्व हो जाए इनिशियल केसेस में, अगर एक दफा वो डेवलप हो चुका है तो फिर वापस नहीं आएगा। देखिए इनिशियल में सिर्फ क्लाउडिंग ऑफ द लेंस हो रही है ना ड्यू टू सॉर्बिटोल और वाटर इन चीजों के, अगर उस टाइम पे अगर ये सिचुएशन ठीक हो गया तो वापस वाटर जो है कैन लीव द लेंस, उसने कोई ट्रांसपेरेंसी आ सकती है, बट याद रखे वंस एक दफा जो कैट्रिक वगैरह जो डेवलप हो चुका है फिर वो वापस नहीं आ सकता क्लियर लेंस की तरफ। सो फिर एज रिलेटेड कैट्रिक आकर अर्ली एंड डायबिटिक, लेकिन एक चीज याद रखे कि एज रिलेटेड कैट्रिक जो हमने जिक्र किया कि न्यूक्लियर कैट्रिक है कॉर्टिकल है या सब कैप्सुलर है वो भी इस पेशेंट में आएगा, लेकिन नॉर्मल एज से जो हम एक बॉर्डर लाइन कहते हैं ना कि नॉर्मल इंडिविजुअल में जो डायबिटिक ना हो उसमें क्या, तो लेट सपोज 50 के बाद आएगा तो इससे ये बिफोर 50 भी आ सकता है जो कि डायबिटिक पेशेंट हो। ठीक है, दिस फिनोमेना जो ऊपर हमने डिस्कस किया, न्यूक्लियर ओपेसिटी आर कॉमन एंड टेंड टू प्रोग्रेस रैपिडली, इसमें अगर न्यूक्लियर कोई ओपेसिटी है तो वो बहुत स्पीड से क्या करेगी प्रोग्रेस करे। सो सिंपल चीज, सारी चीजों को समराइज क्या है कि हाई ग्लूकोज लेवल एंटर टू द सेल, वहां पे वो सॉर्बिटोल में चेंज होगा ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ सॉर्बिटोल, एक्सेस वाटर लीडिंग टू द ओवर हाइड्रेशन ऑफ द लेंस एंड ड्यू टू दिस ओवर हाइड्रेशन एंड एक्युमुलेशन ऑफ सॉर्बिटोल लीडिंग टू क्लाउडनेस ऑफ द लेंस। ठीक है, एंड इंक्रीजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द मायोपिया। ठीक, अगर ये सिचुएशन परसिस्ट रहा तो इट मे बी डेवलप इनटू मैच्योर कैट्रिक एंड चला गया।
लेकिन टिपिकल अगर आपसे कोई पूछ सकता है एमसीक्यूज में आ सकता है कि टिपिकल जो है क्लासिक डायबिटिक कैटरिक जो है वो यूजुअली क्या है, तो वो आप कहेंगे स्नोफ्लेक कैटरिक, और आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है दिस वन आप रेट्रो इल्यूमिनेशन में देखें ना, तो ये देखें छोटे ये स्नोफ्लेक छोटे छोटे ये आपको ऐसे स्नोफ्लेक लाइक नजर चीज आ रहे के छोटे छोटे स्पॉट जो है, यू कैन सी दिस, नजर आ रहे हैं आप लोगों को? आपने पेशेंट भी डायबिटिक हिस्ट्री है सब कुछ है और आपने स्लेट लैंप पे ये दिखा दो, दिस इज वेरी इजी एंड यू कैन चेक दिस थिंग, ये ओपेसिटी आपको नजर है, दिस इज द टिपिकल या क्लासिक कैटरिक एंड डायबिटिक मेलाइटिस। फिर इसके बाद जो है माइटोनिक डिस्ट्रॉफी है, यू नो माइटोनिक डिस्ट्रॉफी आल्सो अ मस्कुलर सम जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसमें मसल की वीकनेस वगैरह हो रही है, ठीक है, डिजीज जो है आप डिटेल से देखें कि माइटोनिक डिस्ट्रॉफी में क्या क्या आता है, चाइल्ड बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इसमें क्या है आप देखें, मैंने इसको किससे याद किया कि माइटोनिक डिस्ट्रॉफी एटॉमिक डर्माटाइटिस बिल्कुल एक दूसरे के एक एक मतलब कंसेक्यूटिव लेवल पे हैं। देखिए 90% पेशेंट माइटोनिक डिस्ट्रॉफी में क्या होगा उसमें कैटरिक होगा, एटॉपिक डर्माटाइटिस में 10% पेशेंट विद सीवियर एटॉपिक डर्माटाइटिस डेवलप कैटरिक, देखिए एक में 90 दूसरे में 10%, ठीक है, तो आसान चाहिए कि माइटोनिक डिस्ट्रॉफी वाले पेशेंट देखें बहुत हाई रेशियो है कि 90% पेशेंट माइटोनिक डिस्ट्रॉफी जो है वो क्या डेवलप करेगा, फाइंड एडोलेसेंट कॉर्टिकल ओबेसिटी इन द थर्ड डिकेड, देखिए कितनी अर्ली डेवलप हो सकता है, सम टाइम रिजेम्बलिंग क्रिसमस ट्री कैटरिक और दिस इवॉल्व टू वर्चुअली डिसेबलिंग वैच शेप कैटरिक एंड सब कैप्सुलर कैटरिक, लेकिन स्टार शेप कॉन्फ़िगरेशन ये बनाएगा इन बाय द फिफ्थ डिकेड और ओबेसिटी में एंड डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम टिपिकल कॉर्टिकल कैटरिक। तो बताने का क्या मतलब है कि इन लोगों में माइटोनिक डिस्ट्रॉफी पेशेंट 90% पेशेंट में आपको कॉर्टिकल आपको कैटरिक डेवलप हो सकता है, इवन सबसे पहले कॉर्टिकल ओबेसिटी स्टार्ट हो रही है थर्ड डिकेड में, फिर इसके बाद क्या होता है कि थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता जब इवॉल्व होते हैं तो वेज कैटरिक के साथ साथ कैप्सुलर ओबेसिटी भी आ सकते हैं, पुश सब कैप्सुलर ओबेसिटी और वो फिर एक स्टार शेप पैटर्न बनाते हैं, स्टार शेप बहुत मजे की स्टार शेप पैटर्न देखें, तो रेट्रो इल्यूमिनेशन में आपको ऐसे शेप मिल गए, दिस इज द टिपिकल पार्ट ऑफ माइटोनिक डिस्ट्रॉफी, तो इसमें स्टार शेप कैटरिक जो है बन सकते हैं कि इसमें आपके साथ ये रेट्रो इल्यूमिनेशन वाले जो है वो पिक्चर आपके साथ यहाँ पुश्टी सब कैप्सुलर कैटरिक स्पाइक ज्यूमिंग सैटेलाइट मॉर्फोलॉजी माइटोनिक डिस्ट्रॉफी, ठीक, तो उसमें ये आ सकता है। और ये शील्ड लाइक देखिए ये वाला दिस इज इंटीरियर सब कैप्सुलर कैटरिक है, जो इंटीरियर सब कैप्सुलर कैटरिक इधर इसमें भी ज्यादा है और ये एटॉपिक डर्माटाइटिस वाले पेशेंट में ज्यादा होगा, शील्ड लाइक जैसे कि शील्ड यहाँ पर रखा हुआ है और इंटीरियर कैप्सुलर कैटरिक एटॉपिक डर्माटाइटिस। पूछने की क्या चीज है जिकिस पॉइंट ऑफ व्यू से स्नोफ्लेक कैटरिक किसमें डेवलप हो सकता है, डायबिटीज मेलिटस में, स्टार पैटर्न जो है वो किसमें होगा, माइटोनिक डिस्ट्रॉफी में, और ये जो है इंटीरियर कैप्सुलर कैटरिक जो है ये एटॉपिक डर्माटाइटिस वाले पेशेंट जो है उसमें आपको मिलेगा, 10% ऑफ द एटॉमिक डर्माटाइटिस पेशेंट उसको ये शील्ड इंटीरियर सब कैप्सुलर कैटरिक, दिस इज वेरी कॉमन, ठीक, ऐसे आप यहाँ पे दोबारा भी देख सकते हैं कि डर्माटाइटिस वाले पेशेंट में जो है सीवियर डर्माटाइटिस पेशेंट इसमें सेकंड टू फोर्थ डिकेड में आ सकता है, बायलेटरल होगा मे मैच्योर क्विकली और शील्ड लाइक डेंस इंटीरियर सब कैप्सुलर ट्रिंकल इंटीरियर कैप्सूल एज करेक्टरिस्टिक और सम टाइम पुशी सब कैप्सुलर कैटरिक्स में आल्सो डेवलप। सो सिंपल से आपको डिजीज का याद होना चाहिए कि एटॉपिक डर्माटाइटिस क्या है, ठीक है, उसके साथ माइटोनिक डिस्ट्रॉफी उसके साथ कौन सा कैटरिक और कितने परसेंट, 90% इज अ वेरी हाई फिगर कि आउट ऑफ 190 पेशेंट जो है उसमें कैटरिक ही डेवलप होगा, एटॉपिक डर्माटाइटिस जो है उसमें 10%। इस तरह से न्यूरोपाइब्रोमेटोसिस जो है न्यूरोपाइब्रोमेटोसिस मीन की जो नर्व नर्व के ऊपर जो है कोई ट्यूमर जो स्पेशली श्वान मोहन सेल जो है उसकी वो नर्व की एक्चुअल ट्यूमर है, ठीक है, सो न्यूरोपाइब्रोमेटोसिस जिसके पे टाइप 1 टाइप 2 ये हम लेटर ऑन डिजीज अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आप पढ़ेंगे कि न्यूरोपाइब्रोमेटोसिस जो है उसके साथ क्या लिंक है। इसमें आप याद रखिए न्यूरोपाइब्रोमेटोसिस 2 जो है उसमें अर्ली कैटरिक एंड मोर देन 60% ऑफ पेशेंट, देखिए इसमें बहुत अर्ली कैटरिक डेवलप हो सकते हैं 60% ऑफ पेशेंट ऑफ न्यूरोपाइब्रोमेटोसिस। ओबेसिटी क्या है स्पेशली जो है पोस्टीरियर सब कैप्सुलर और कैप्सुलर कॉर्टिकल और मैक्स एंड टेंड टू डेवलप इन अर्ली एडल्टहुड, देखिए एडल्टहुड में भी अर्ली आ सकता है, तो ये भी बहुत अहम चीज़ है के न्यूरोपाइब्रोमेटोसिस टाइप पेशेंट जो अगर है उसमें बहुत अर्ली जो है आपके कैटरिक ये भी यंग एज की यंग एज में बहुत कॉमन है न्यूरोपाइब्रोमेटोसिस। सो इसमें भी आपको कैटरिक 60% पेशेंट में आपको मोर देन 60% पेशेंट में अर्ली डेवलप होगा कैटरिक एज कम्पेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल की हम बात करें।
और इसमें किसी भी टाइप का बन सकता है, पोस्टीरियर भी हो सकता है, सब कैप्सुलर और मैक्स भी बन सकता है, ठीक है। सो यहां तक हमने वो सारी चीजें डिस्कस की अबाउट द कैटरिक। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा सेकेंडरी कैटरिक क्या होता है। सेकेंडरी कैटरिक या उसका दूसरा नाम है कॉम्प्लिकेटेड कैटरिक, जो कि दूसरी आई की, पहले आई में कैटरिक नहीं था, आई में कोई दूसरी बीमारी था, डिजीज था, उसकी वजह से जो है आपकी कैटरिक डेवलप हो गया। हम कहते हैं ना कि इसकी क्या क्या, इस डिजीज के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है। अगर हम डिजीज की बात करें कि कॉर्निया बैक्टीरिया केराटाइटिस है, तो बैक्टीरिया केराटाइटिस की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, तो हम कहते हैं कॉर्निया मेल्टिंग और डिसमेटोसील और कॉर्नियल परफोरेशन और यूवेआइटिस वगैरह, ये चीज हम पढ़ रहे हैं। सो उसमें भी हम जिक्र करते हैं कि यार ये चीज बन सकता है। सो सेकेंडरी कैटरिक मीन के वो किसी भी एज में आ सकता है, ये अहम चीज है, ठीक है, किसी भी एज में आ सकता है, बिकॉज दूसरी बीमारी जो आ गया है उसकी वजह से कैटरिक आसानी से डेवलप हो सकता है। ये अभी तक ऊपर हम डिस्कस करें तो एज रिलेटेड हो, सिस्टेमिक डिजीज में हमने जिक्र किया था, सिस्टेमिक डिजीज में अर्ली आ सकता है, जो एक डिफाइंड एज है उससे अर्ली आ सकता है। और सेकेंडरी कैटरिक क्या होगा, जो कि डिवेलप हो गया एज अ रिजल्ट ऑफ अदर ऑकुलर प्राइमरी ऑकुलर डिजीज। तो उसमें सबसे आम टॉपिक है वो है क्रॉनिक इंटीरियर यूवेआइटिस। वो यूवेआइटिस जो है, याद रखें जब भी हम यूवेआइटिस की बात करेंगे तो यूवेआइटिस जब भी ठीक होता है तो उसके साथ साथ जो कॉम्प्लिकेटेड कैटरिक है वो जरूर डेवलप होता है, और स्पेशली क्रॉनिक और इंटीरियर यूवेआइटिस। इंटीरियर यूवेआइटिस मीन जिसमें आयराइटिस और साइक्लाइटिस वगैरह, ठीक है। जो इंटीरियर यूवेआइटिस है, क्रॉनिक इंटीरियर यूवेआइटिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी कैटरिक, ये आम चीज याद रखें, ठीक है। और ये डिपेंड करता है रिलेटेड टू द ड्यूरेशन इंटेंसिटी ऑफ इन्फ्लेमेशन, कि आपकी कितने लॉन्ग ड्यूरेशन का यूवेआइटिस चल रहा है और इसकी इंटेंसिटी ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या है। तो यूजुअली यहाँ पे मेंशन है क्रॉनिक, तो क्रॉनिक यूवेआइटिस यू नो कि वेरी लॉन्ग टर्म डिजीज है, ठीक है। तो उसके साथ साथ ये डिजीज की ड्यूरेशन के साथ भी डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ इन्फ्लेमेशन के साथ भी। अगर वेरी इंटेंस इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है और लॉन्ग टर्म है तो उसके चांसेस जो है कैटरिक के चांसेस बहुत ज्यादा है। और दो चीजें याद रखें इसमें, तो ऑलरेडी जो इंफ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहे उसमें से इंफ्लेमेटरी जो केमिकल मीडिएटर वगैरह आ रहे, वो मीडिएटर भी जो केमिकल इंफ्लेमेटरी चेंजेस है वो इंफ्लेमेशन भी इफेक्ट करता है लेंस पे। और अहम चीज इसके ट्रीटमेंट के लिए जो हम टॉपिकल या सिस्टेमिक स्टेरॉइड कर रहे हैं तो वो भी एक एडिटिव रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको पता है कि इंटीरियर यूवेआइटिस वगैरह जो है क्रॉनिक यूवेआइटिस, तो उसमें आपको सिस्टेमिक भी और टॉपिकल स्टेरॉइड भी देते हैं। यू नो कि स्टेरॉइड भी वन ऑफ द कॉज ऑफ द कैटरिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो कहते हैं कि क्रॉनिक यूवेआइटिस में वो कैटरिक जो है, एक तो वो ऑलरेडी इंफ्लेमेटरी प्रोसेस से बन रहा है, उनकी वजह से डेवलप हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ में जो हम मेडिसिन दे रहे हैं टॉपिकल या सिस्टेमिक स्टेरॉइड दे रहे, तो वो भी एक वन ऑफ द कॉज फॉर द कैटरिक डेवलपमेंट। तो इसलिए इसमें कैटरिक जो है बहुत आसानी से डेवलप हो सकता है। तो टॉपिकल सिस्टेमिक स्टेरॉइड यूज इन ट्रीटमेंट ऑल्सो पॉजिटिव। और लेस फाइंडिंग इज अपन हाइपर क्रोमेटिक लस्टर द पोस्टीरियर पोल ऑफ द लेंस, इसमें क्या मिलेगा, एक हाइपरक्रोमेट्रिक लस्टर मिलेगा, एक शाइन सा मिलेगा पोस्टीरियर पोल ऑफ द लेंस। फिर क्या होगा, इन्फ्लेमेशन परसिस्ट, पोस्टीरियर इंटीरियर ओपेसिटी डेवलप। अगर इन्फ्लेमेशन परसिस्ट है तो वो ओपेसिटी जो है वो इंटीरियर पोस्टीरियर स्प्रेड हो सकता है, मतलब पूरा कैटरिक जो है वो डेवलप कर सकता है। कैटरिक अपीयर टू प्रोग्रेस मोर रैपिडली इन द प्रेजेंस ऑफ पोस्टीरियर साइनिकी, और इसमें कैटरिक आसानी से क्या कर सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है, लेकिन अहम चीज याद रखें साथ साथ में इन्फ्लेमेशन भी चल रहे। तो इन्फ्लेमेशन के साथ यू नो कि वहाँ पे जब भी इन्फ्लेमेशन हो तो वहाँ पे वास्कुलर परमेबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है, और इस इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी से वहाँ से जो एक्सुडेट वगैरह है वो भी आसानी से बन सकता है, ठीक है, एक स्टिकी मटेरियल वगैरह सारी चीज़ें बनती है। सो याद रखें जब यूवेआइटिक पेशेंट में, क्रॉनिक यूवेआइटिस पेशेंट में कैटरिक बनता है तो उसमें कैटरिक की प्रोग्रेशन भी जल्दी हो रही है और साथ साथ में पोस्टीरियर साइनिकी भी होता है। पोस्टीरियर साइनिकी मीन के लेंस जो है वो आयरस के पोस्टीरियर सरफेस के साथ स्टक भी होता है। अब देखें ना कि इंटीरियर के स्टार्ट में क्या होगा कि आपको पॉलीक्रोमेटिक लस्टर मिलेगा, फिर लस्टर के बाद जो है ओपेसिटी इंटीरियर पोस्टीरियर में डेवलप हो सकता है और साथ साथ में साइनिकी भी मिल सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस वन, स्टार्ट में आपको ये देखिए लस्टर नजर आ रहे हैं ना पोस्टीरियर पोल पे, ये चमक दमक स्टार्ट में ये नजर आ रहे हैं, बाद में फिर ऐसा होगा कि पूरा कैटरिक डेवलप होगा, बट कैटरिक के साथ देखिए दियर सम साइनिकी आर आल्सो अटैचमेंट ऑफ द आयरस पोस्टीरियर सरफेस विद द लेंस सरफेस, ठीक है। तो ये क्या है कि एंटीरियर यूवेआइटिस और उसके साथ ओपेसिटी वगैरह जो है बन चुका है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें इस कंडीशन में काफी साइनिकी जो है वगैरह वो डेवलप हो चुका है, ठीक।
फिर एक्यूट कंजेस्टिव एंगल क्लोजर, एक्यूट कंजेस्टिव एंगल क्लोजर क्या है, ग्लैकोमा की बात करें ना, तो एक्यूट कंजेस्टिव एंगल क्लोजर ग्लैकोमा में कॉज स्मॉल इंटीरियर ग्रे वाइट कैप्सूल और कैप्सूल ओपेसिटी ग्लो, देखिए नाम से पता चलता है, जैसे ग्लोकोम फ्लेकिन। अब ग्लोकोम फ्लेकिन क्या होता है कि देखिए जब भी कोई एक्यूट एंगल, देखिए एक कंडीशन में बताऊंगा, जब ग्लोकोमा शिला हम पढ़ेंगे ना, तो ग्लोकोमा जो है दिस इज अ वेरी क्रॉनिक डिजीज, प्रोग्रेसिव डिजीज है जो क्या हिस्सा हिस्सा डेवलप हो रहे हैं, एक पेनलेस कंडीशन है स्टार्ट में, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता एफपी बढ़ रही है। जितने भी टाइप के ग्लोकोमा हम बाद में पढ़ेंगे तो उसमें इतने एक्यूट सिम्टम डेवलप नहीं होते, आई रेड होगी, आई में ऑक्युलर पेन स्टार्ट, या सारी चीजें स्टार्ट होगी, लेकिन जो एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा है या एंगल क्लोजर ग्लोकोमा है, एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा जिसको एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा है, दिस इज वेरी सडनली आकर एंगल क्विकली ब्लॉक होता है, उसमें आई की कंडीशन बहुत सिवियर होता है, इसमें कॉर्नियल ओपेसिटी, इसमें ओवर डायलेटेड प्यूपल, रेडनेस, ऑक्युलर पेन वगैरह सारी चीजें बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि दिस इज समथिंग सडन। सो इस कंडीशन में जब आप देखेंगे ना कि आप अचानक जो है एंगल क्लोजर सब कुछ हो गया है, तो प्रेशर जो है अचानक से बढ़ गया है, सो हाई प्रेशर, एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा, ये सब चीजें क्या होंगी, इन सब चीजों से लेंस का जो एरिया है ना, स्पेशली जो पुपिलर एरिया है, वहां पे सम इन्फार्क्शन आर, इन्फार्क्शन ऑफ द लेंस एपिथेलियम, जो लेंस एपिथेलियम है ना उसका इन्फार्क्शन है, बिकॉज उसको अभी सही तरीके से ग्लूकोज और ये सारी चीजें नहीं मिल रही ड्यू टू हाई प्रेशर, ड्यू टू हाई इंट्राक्यूलर प्रेशर, ठीक है, जो स्पेशली लोकल एरिया है, उस लोकल एरिया ऑफ द लेंस एपिथेलियम को क्या नहीं मिल रहा, उसको कोई वो नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन वगैरह न्यूट्रन वगैरह सही तरीके से नहीं मिल रहा, ठीक है, तो वो देयर इज सम लोकल और सम फोकल इन्फार्क ऑफ द लेंस एपिथेलियम, और जो कि एक पैथोग्नोमोनिक साइन है, ऑलमोस्ट अ पैथोग्नोमोनिक प्रायर एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा। कोई भी पेशेंट इस पैटर्न में आपको मिल जाए ना, दिस पैटर्न में, इसका ये फाइबर जो है देखें ये वाला, ये कुछ एरिया जो है ये इन्फार्क्टेड है, ये इंटीरियर लेंस इन्फार्क्शन है, साथ साथ में पीपल का यही स्टेटस है, देखिए सम मिल जाए पीपल वगैरह। सो कहते हैं कि ऐसे कोई भी टाइम आपको जिस जिस कंडीशन स्कार ग्लोमोफ्लेकिन, और ये ग्लोमोफ्लेकिन क्या है कि इस पे कुछ एरिया पे, स्पेशली इस एरिया पे, दिस एरिया जो है ये इन्फार्क्ट हो चुका है ड्यू टू इंट्राकुलर प्रेशर। ये कहते हैं कि आपको अगर ऐसा कोई भी पिक्चर आपको मिल रहे कि जिसमें इंटीरियर इस एरिया में कुछ यही कंडीशन है, तो आप जरूर उसके बारे में, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में ये पूछे कि इससे पहले कोई आपको ग्लॉकोमा तो नहीं हुआ, एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा। जब उसके पास अगर कोई डिटेल वगैरह है, जब आप उसकी डिटेल वगैरह देखें, तो जाहिर बात है इसमें सब एंगल बेस भी प्रायर एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा की कोई चीज़ हम जरूर होंगी। सो इसमें आपके पास बेसिकली क्या बनता है, वाइट सब कैप्सुलर और कैप्सुलर ओपेसिटी, और उसका क्या नाम है, ग्लूकोमोफ्लेकिन। जैसे ग्लूकोमोफ्लेकिन क्या होता है कि ये सब कैप्सूल या कैप्सूल ओपेसिटी है, स्पेशली इंटीरियर इंटीरियर पोल पे मौजूद होते हैं, और कुछ एरिया में, लोकल एरिया में लेंस की पिचिलियम की इन्फार्क्शन हो रही है, एंड दिस इज सम ऑफ द पैथोग्नोमोनिक ऑफ प्रायर एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। हाई मायोपिया, पैथोलॉजिकल मायोपिया, ठीक है, जो कि ऑलरेडी एसोसिएटेड है पोस्टीरियर सब कैप्सूल कैट्रिक, याद रखिए हाई मायोपिया में पोस्टीरियर सब कैप्सूल कैट्रिक, and early onset nucleus sclerosis are very common, which ironically may increase the refractive error. देखें already high myopia है, pathological myopia है, और इसमें अगर cataract development start हो गया, especially posterior subcapsular, और साथ साथ में अगर देखिए early onset nucleus sclerosis, इसमें nucleus sclerosis भी बहुत जल्दी develop हो रहे हैं, और nucleus sclerosis क्या करता है, refractive index मजीद increase, already pathological myopia है, और साथ साथ में ये भी आ गया, तो मजीद क्या करेगा, मायोपिया रिफ्रैक्टिव एरर को मजीद इंक्रीज करेगा। हाई मायोपिया में भी कैटरिक अर्ली डेवलप होते हैं, ठीक है, जैसे आपने पैथोलॉजिकल मायोपिया पढ़ा होगा, नहीं है तो उसमें कांस्की में भी है पैथोलॉजिकल मायोपिया, आप देखेंगे उसके साथ जो सिस्टेमिक एसोसिएशन है, लाइक स्टेकलर सिंड्रोम, एहलर डेनलिस सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, मार्पन सिंड्रोम और नूनन सिंड्रोम, प्री मेच्योरिटी जो कि मायोपिया के साथ रिलेटेड है, आप वो जरूर पढ़ ले, तो उसमें आप देखें हर एक में मोस्ट कॉमनली जो है कैटरिक में देखेंगे तो कैटरिक जो है मायोपिया के साथ बहुत ज्यादा क्लोजली लिंक है, जैसे फंडस चेंजेस हो रहे हैं, तो इस तरह की मायोपिया भी हाई पैथोलॉजिकल मायोपिया पेशेंट में कैटरिक अर्ली डेवलप हो रहे हैं, और इस तरह से हेरिडिटी फंडस डिस्ट्रॉफी, ये भी कांस्की में पूरे चैप्टर है हेरिडिटी फंडस डिस्ट्रॉफी, आप उस चैप्टर को भी पढ़ लें,
लेकिन स्पेशली उस चैप्टर में अगर आप रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा पढ़ लें, लेबर कंजेंटली माइरोसिस पढ़ लें, ठीक है, या स्टेकलर सिंड्रोम में जितनी भी चीजें आप पढ़ लें, तो उसमें आपको पता चलेगा कि पोस्टीरियर या लेस कॉमनली एंटीरियर कैप्सुलर ओपेसिटी भी बढ़ सकता है। स्पेशली अगर मैं उसकी बात करूंगा, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की बात करूंगा, तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के साथ आप देखेंगे कि ये टिपिकल कैटरक्ट जो है दिस वन एंटीरियर सब कैप्सुलर कैटरक्ट एंड रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा पेशेंट। तो कहते हैं कि ये रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, लेकिन इस चाइल्ड में भी, बच्चों में, अगर आप एडल्ट में भी अगर ये कैटरक्ट की सर्जरी करें, तो इन स्पाइट ऑफ इसके फंडस भी चेंजेस भी हैं, बट उस कैटरक्ट की वजह से भी उसकी काफी विजन खराब हो चुकी है। ट्रीटीज फंडस की चेंजेस जो कि इररिवर्सिबल चेंजेस हैं, उसके साथ हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आप उसकी कैटरक्ट की सर्जरी को भी करके उसकी काफी विजन जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। और यही रीजन है कि यहाँ पे लिखा भी है कि अगर आप उसको ट्रीट करें, कैटरक्ट सर्जरी में इम्प्रूव विजुअल फंक्शन इवन इन द प्रेजेंस ऑफ सीवियर रेटिनल चेंजेस। सीवियर रेटिनल चेंजेस के बावजूद भी अगर हम कैटरक्ट सर्जरी करें, तो एटलीस्ट उसको तो व्यू, ये सारी चीजें जो है, सेंट्रल विजन जो है वो एटलीस्ट क्लियर हो गया, उसकी डेली एक्टिविटी जो है वो काफी इम्प्रूव हो चुकी इस वजह से। सर मेरी दादो को एज रिलेटेड मैक्युलर डीजनरेशन है, साथ में कैटरक्ट भी है, तो उनका कैटरक्ट उनके डॉक्टर ने रिमूव नहीं किया। अच्छा, वो अलग, वो ये मैं हेरिडिटी पॉइंट ऑफ डिस्टर्बिंग आप, मैं एक चीज बताऊंगा अभी, उसके बाद हम जब देखेंगे ना कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे, तो कैटरिक के बाद जो है ये मैकुलर एडिमा वगैरह ये मजीद वर्स हो सकता है। ये स्पेशली मैकुलर डिजनरेशन है ना, CMV सिस्टाइड मैकुलर एडिमा में हम उसके पढ़ेंगे, बहुत अहम चीज में हम बार बार पढ़ेंगे कि वो मजीद जो है, और रेटिना, एक चीज और है, रेटिना पैथोलॉजी जो है वो ऑकुलर सर्जरी से मजीद जो है वर्स हो सकता है, तो शायद उसने उस बेस पे। और आपको एक और चीज मैं बताऊं, जब भी हम कैटरिक सर्जरी करते हैं, उससे पहले हम बी स्कैन वगैरह ये चीज जरूर करते हैं। अगर विचेवर कैटरिक है, हमें पोस्टीरियर पंडस का कोई भी पता नहीं चल रहा, तो इससे पहले हम बी स्कैन वगैरह इसलिए सब कुछ कर रहे हैं कि हमें बैक पोस्टीरियर पंडस का पता चल जाए कि ऐसा नहीं कि वहां पे कोई आरडी वगैरह या कोई और पैथोलॉजी वगैरह, ठीक है। सो वो पहले आपने वो ठीक करना है, फिर बाद में कैटरिक वगैरह ये चीज करना, जब वो सबसाइड हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो उसके बाद हो सकता है कि वो कर ले। लेकिन ये पंडस की बात करो, और दूसरी बात यह है कि अगर आप AMD में मैक्रो एज रेट मैक्रो डिजनरेशन में सर्जरी भी कर लें, तो क्या वो आपको इम्प्रूवमेंट देगा? ऑलरेडी AMD में विजन कितना, सेंट्रल विजन कितना खराब होता है, ठीक है, आप क्लियर लेंस भी रखें तो उससे कोई इफेक्ट नहीं बनता। तो डॉक्टर ये भी सोचते हैं कि पेशेंट का एक्सपेक्टेशन सर्जरी के बाद देख के मैंने इतनी पैसे भी दिए और सर्जरी भी, अभी भी विजन का यही हालात है। लेकिन आप RP में देखें ना, तो RP में तो सेंट्रल विजन ठीक होता है, ठीक है ना, स्पेशली पेरिफेरल विजन खराब हो रही है, सेंट्रल उसके मैकुला, ये सारा चीज ठीक नजर आ रहे हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि एक पैथोलॉजी को दूर करके एटलीस्ट उसकी सेंट्रल विजन जो है तो हम बहाल करें, ठीक है। ठीक है सर। उसकी दूसरी बात है ट्रामेटिक कैटरक, उसकी भी थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि ट्रामेटिक कैटरक क्या लिखा है, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूनिलैटरल कैटरक इन यंग इंडिविजुअल। देखिए सेकेंडरी कैटरक में सबसे कॉमन कौन सा वाला था, सेकेंडरी जो दूसरे पैथोलॉजी की वजह से आ रहे हैं, उसमें आप लोगों ने देखे कि एंटीरियर यूवेटिस की वजह से जो आ रहे हैं, दिस वन क्रॉनिक एंटीरियर यूवेटिस से जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी कैटरक का है इन क्रॉनिक एंटीरियर यूवेटिस। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि यंग एज है और उसकी यूनिलैटरल कैटरक का क्या कॉज है, तो ट्रामा, यू नो यंग लोगों में ट्रामा ज्यादा, जो कि बहुत शैतान लोग होते हैं, जिस बच्चे होते हैं हर किस्म के गेम और दूसरे के साथ झगड़े वगैरह करते हैं, तो ट्रामा के चांसेस भी बच्चों में ज्यादा हैं, और यूनिलैटरल स्पेशली एक आई जो है वो ज्यादा इफेक्ट हो रही है, ठीक है। सो इसलिए लिखा है कि ट्रामा जो है, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूनिलैटरल कैटरक इन यंग इंडिविजुअल। आ सकते हैं कोई भी आपसे पूछ, अब ट्रामा क्या है, पेनिट्रेटिंग ट्रामा हो सकता है, ब्लंट ट्रामा, पेनिट्रेट ट्रामा के कोई शार्प सब्सटेंस से, ठीक है, कोई पेन वगैरह से, वो जिसे बिल्कुल डायरेक्टली नीचे जाकर आप वगैरह को रप्चर करें, ब्लंट ट्रामा को, ठीक है। अब ब्लंट ट्रामा से जो कैटरक्ट बनेगा वो फ्लावर शेप ओबेसिटी बनेगा, आपने आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ सब कुछ। इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक याद रखें, दिस इज समथिंग क्लियर कॉज ऑफ कैटरक्ट, बट ये भी याद रखें कि इसमें जो कैटरक्ट डेवलप होगा वो मिल्की वाइट ओपेसिफिकेशन बन सकता है, मल्टीपल स्नो ब्लैक ओपेसिटी बन सकता है, ठीक है। ये देखिए इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो भी अरेंजमेंट जो है और लेंस कैप्सूल की इंटीग्रिटी वगैरह को खराब कर सकता है। इंफ्रारेड रेडिएशन आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई बंदा जो है जैसे ग्लास ब्लोअर है जो ग्लास का काम वगैरह करते हैं, ठीक है, जिसके हाई एक्सपोजर है टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड रेडिएशन जो है, सॉरी इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन कैन आल्सो डैमेज योर लेंस कैप्सूल, लॉन्जेविटी एंड कैन लीडिंग टू कैटरक्ट फॉर्मेशन।
इसी तरह से कोई भी आयनाइजिंग रेडिएशन है, फॉर एग्जांपल कोई ऑक्यूलर ट्यूमर है, उसके ट्यूमर के लिए आपने कोई रेडिएशन कर रहे, ठीक है, रेडिएशन थेरेपी कर रहे, आयनाइजिंग रेडिएशन पास कर रहे, उससे पोस्टीरियर कैप्सुलर ओबेसिटी जो है वो बहुत आसानी से क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है। ये ऑल ट्रॉमा में आ रहे हैं, ठीक है ना, ये ऑल चीजें जो है ये ट्रॉमा में आ रहे हैं, तो आप जरा उसकी वो देखें। This is some penetration trauma. देखें बायर्स ये भी नजर अभी आ रहे हैं ना, अब तो एंटर हो चुके, कोई पीपल का देखे तो भी काफी बहुत हशर हो गया है, ठीक है, दिस इज ट्रॉमेटिक कैटेगरी ट्रॉमा। अच्छा ट्रॉमेटिक कैटेगरी कितने बार डेवलप हो सकते हैं ट्रॉमा के बाद? ये डेज में डेवलप हो गया, ठीक है, बहुत डेज में डेवलप, बहुत जल्दी डेवलप हो रहा है ट्रॉमेटिक कैटेगरी। और ये दूसरा वाला देखें, ये कौन सा वाला सनफ्लावर है वो, बिल्कुल आप ऐसे कहे किसी ने पेंटिंग वगैरह की है, एक्चुअली ये रियल पैशन की डायग्राम पिक्चर लिए ना, कांस के जितनी पिक्चर है ना ये रियल पैशन की है, ठीक है, तो आपने देखिए किसी ने पेंट से बनाए हुए, ये किस में होगा, शाबाश, ये ऊपर हमने पढ़ लिया, देंगे आपको फ्लावर शेप ओबेसिटी जो है वो मिल सकता है, ठीक है। और इसके बाद जो है इलेक्ट्रिक करंट वाला जो है ये वाला, क्योंकि मल्टीपल स्नो ब्लैक वगैरह ये ओबेसिटी वगैरह बन सकता है, ठीक है। और इसके बाद और इंफ्रारेड रेडिएशन, ये आयनाइजिंग वाले हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन वाले देखिए, ये कैप्सुलर ओबेसिटी जो है, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर ओबेसिटी जो है ये डेवलप हो सकता है, दिस इज इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक, दीज आर द ओबेसिटी। तो बस आपने ट्रामा याद करना है और इसकी जो बेसिक टिपिकल फीचर है आपने वो याद करना है। सर ये जो रेडिएशन से हो रहा है, ये जिनको कैंसर में रेडियोथेरेपी देते हैं उसमें भी हो सकता है? उसमें भी हो सकता है, लेकिन वो हो तो हम अगर स्पेशली ऑक्यूलर की मैं बात करें कि ऑक्यूलर रेडिएशन हम इधर से पास करें ना, बाकी अगर एब्डोमेन वगैरह में है तो वहां तो हम कुछ लोकल एरिया से रेडिएशन पास करते हैं ना, और इसमें तो हम बाकी स्पेशली ऑक्यूलर ट्यूमर वगैरह वगैरह जो है जिससे रेडिएशन पास कर रहे, तो उसके लिए ठीक हो गया, ठीक। अच्छा अब इसके बाद जो है मैनेजमेंट है, बट मेरे ख्याल में अगर हम मैनेजमेंट नेक्स्ट में करेंगे तो ठीक हो जाए। अच्छा तो इंशाल्लाह सर एक क्वेश्चन है मेरा, जी जी इससे